हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं, कोर्ट ने जारी कर दिया है आदेश और 25 तारीख के बदले 24 तारीख को अवकाश घोषित कर दिया गया है। और साथ ही साथ स्पष्ट कर दिया गया है कि शनिवार को भी जो है यहाँ पे छुट्टी रहेगी और लगातार 3 दिनों तक छुट्टी मिलने वाली है। और ये जो छुट्टी शनिवार को मिल रही है वो चेहल्लुम की छुट्टी होगी। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पर और आप लोग को डिटेल्स में दिखाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं वो है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के जो यहाँ सेशन जज है उनके द्वारा जो है यहाँ पे जारी किया गया है, परस्यू द ज्वाइंट एप्लीकेशन ऑफ द लॉयर्स रिलेटेड विथ मुस्लिम कम्युनिटी ड्यूली फॉरवर्डेड बाय द सेक्रेटरी जनरल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर एज वेल एज द सेक्रेटरी जनरल एडवोकेट एसोसिएशन मुजफ्फरपुर वाइड रेफरेंस नंबर DBA 4222/24/25 डेटेड 22/8/24 वेयर बाय इट हैज़ बीन stated that according to the visibility of moon the festival of Chehellum will fall on 24th of August and prayed to declare date 24th of August as holiday for Chehellum festival in place of dated 25th of August from perusal of the Bihar Civil Court calendar it appears that dated 25th of August has been declared as the holiday for the festival of Chehellum. Considering the prayer of lawyers of Muslim community, it is ordered that all the courts and office within the judiciary shall remain closed and date 24/8/2024 Saturday for the festival of Chehellum in place of date 25th of August Sunday. Inform all concerned. उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग इसका हिंदी में देखना चाहेंगे तो ये यहाँ पर आप लोग का है कि महासचिव जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर के साथ साथ महासचिव अधिवक्ता संघ मुजफ्फरपुर द्वारा संदर्भ संख्या के तहत विधिवत अग्रसित मुस्लिम समुदाय से संबंधित वकीलों के संयुक्त आवेदन का अवलोकन किया DBA 422/24/25 दिनांक 22/8/2024 जिसमें कहा गया है कि चंद्रमा की दृश्यता के अनुसार चेहल्लुम का त्यौहार 24/8/2024 को पड़ेगा और दिनांक 24/8/2024 को चेहल्लुम के लिए अवकाश घोषित करने की प्रार्थना की गई और महोत्सव दिनांक 25/8/2024 के स्थान पर। बिहार सिविल कोर्ट कैलेंडर के अवलोकन के प्रतीत होता है कि दिनांक 25/8/2024 को चेहल्लुम त्यौहार के लिए अवकाश घोषित किया गया है। मुस्लिम समुदाय के वकीलों की प्रार्थना पर विचार करते हुए यह आदेश दिया जाता है कि इस जजशिप के अंतर्गत सभी न्यायालय और कार्यालय दिनांक 25/8/2024 रविवार के स्थान पर चेहल्लुम के त्यौहार के लिए दिनांक 24/8/2024 शनिवार को बंद रहेंगे, सभी संबंधितों को सूचित करें। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो जारी किया गया है वो यहाँ पे अगर बात करेगा तो कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा जारी किया गया है। और यहाँ पे अगर बात करेगा बिहार के स्कूलों की तो बिहार के स्कूलों को लेकर के अभी बिहार सरकार के द्वारा कोई भी लेटर या शिक्षा विभाग के द्वारा कोई भी लेटर जारी नहीं किया गया है। वैसे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए रात तक लगभग जो है 8-9 बजे तक जो है आप लोगों के लिए लेटर जारी हो जाए जिसमें चेहल्लुम की छुट्टी रविवार के स्थान पर शनिवार को मिले। तो ये आप लोगों के लिए 7 से 8 से 9 बजे के बीच जो है आप लोगों के बीच लेटर आ सकता है और इसको लेकर के शिक्षा विभाग भी अब पूरे जोरों शोरों से यहाँ पे कार्य कर रहा है। अब देखना होगा कि यहाँ पर शिक्षकों को जो है यहाँ पे शनिवार को छुट्टी मिल पाती है या नहीं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं, कोर्ट ने जारी कर दिया है आदेश और 25 तारीख के बदले 24 तारीख को अवकाश घोषित कर दिया गया है। और साथ ही साथ स्पष्ट कर दिया गया है कि शनिवार को भी जो है यहाँ पे छुट्टी रहेगी और लगातार 3 दिनों तक छुट्टी मिलने वाली है। और ये जो छुट्टी शनिवार को मिल रही है वो चेहल्लुम की छुट्टी होगी। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पर और आप लोग को डिटेल्स में दिखाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं वो है
ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के जो यहाँ सेशन जज है उनके द्वारा जो है यहाँ पे जारी किया गया है, परस्यू द ज्वाइंट एप्लीकेशन ऑफ द लॉयर्स रिलेटेड विथ मुस्लिम कम्युनिटी ड्यूली फॉरवर्डेड बाय द सेक्रेटरी जनरल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर एज वेल एज द सेक्रेटरी जनरल एडवोकेट एसोसिएशन मुजफ्फरपुर वाइड रेफरेंस नंबर DBA 4222 बाय 24/25 डेटेड 22/8/24 वेयर बाय इट हैज़ बीन स्टेटेड दैट अकॉर्डिंग टू द विजिबिलिटी ऑफ मून द फेस्टिवल ऑफ चेहल्लुम विल फॉल ऑन 24th of August एंड प्रेड टू डिक्लेयर डेट 24th of August एज हॉलीडे फॉर चेहल्लुम फेस्टिवल इन प्लेस ऑफ डेटेड 25th of August फ्रॉम पेरूसल ऑफ द बिहार सिविल कोर्ट कैलेंडर इट अपियर्स दैट डेटेड 25th of August हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द हॉलीडे फॉर द फेस्टिवल ऑफ चेहल्लुम कंसिडरिंग द प्रेयर ऑफ लॉयर्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इट इज ऑर्डर्ड दैट ऑल द कोर्ट्स एंड ऑफिस विद इन द ज्यूडिशिप शैल रिमेन क्लोज एंड डेट 24/8/2024 सैटरडे फॉर द फेस्टिवल ऑफ चेहल्लुम इन प्लेस ऑफ डेट 25th of August संडे इन्फॉर्म ऑल कंसर्न। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग इसका हिंदी में देखना चाहेंगे तो ये यहाँ पर आप लोग का है कि महासचिव जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर के साथ साथ महासचिव अधिवक्ता संघ मुजफ्फरपुर द्वारा संदर्भ संख्या के तहत विधिवत अग्रसित मुस्लिम समुदाय से संबंधित वकीलों के संयुक्त आवेदन का अवलोकन किया DBA 422/24/25 दिनांक 22/8/2024 जिसमें कहा गया है कि चंद्रमा की दृश्यता के अनुसार चेहल्लुम का त्यौहार 24/8/2024 को पड़ेगा और दिनांक 24/8/2024 को चेहल्लुम के लिए अवकाश घोषित करने की प्रार्थना की गई और महोत्सव दिनांक 25/8/2024 के स्थान पर। बिहार सिविल कोर्ट कैलेंडर के अवलोकन के प्रतीत होता है कि दिनांक 25/8/2024 को चेहल्लुम त्यौहार के लिए अवकाश घोषित किया गया है। मुस्लिम समुदाय के वकीलों की प्रार्थना पर विचार करते हुए यह आदेश दिया जाता है कि इस जजशिप के अंतर्गत सभी न्यायालय और कार्यालय दिनांक 25/8/2024 रविवार के स्थान पर चेहल्लुम के त्यौहार के लिए दिनांक 24/8/2024 शनिवार को बंद रहेंगे, सभी संबंधितों को सूचित करें। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो जारी किया गया है वो यहाँ पे अगर बात करेगा तो कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा जारी किया गया है। और यहाँ पे अगर बात करेगा बिहार के स्कूलों की तो बिहार के स्कूलों को लेकर के अभी बिहार सरकार के द्वारा कोई भी लेटर या शिक्षा विभाग के द्वारा कोई भी लेटर जारी नहीं किया गया है। वैसे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए रात तक लगभग जो है 8-9 बजे तक जो है आप लोगों के लिए लेटर जारी हो जाए जिसमें चेहल्लुम की छुट्टी रविवार के स्थान पर शनिवार को मिले। तो ये आप लोगों के लिए 7 से 8 से 9 बजे के बीच जो है आप लोगों के बीच लेटर आ सकता है और इसको लेकर के शिक्षा विभाग भी अब पूरे जोरों शोरों से यहाँ पे कार्य कर रहा है। अब देखना होगा कि यहाँ पर शिक्षकों को जो है यहाँ पे शनिवार को छुट्टी मिल पाती है या नहीं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।